Good evening, namaste, sasri akal, vanakam. Aaj jaisi horik navi variety dikha rahe hain aur eda hai bread rolls. Generally assi bread rolls kafi banane hain. Aaj assi aloo de bana rahe hain. Par ki si main do snacks bana rahi si ikko hi masale naal. Eh masala tusi biscuits vich dekhya hoega, ohi cheez main continue karangi. Par masala tode vaste main fir to repeat kar diya. Ehde ch ubleye hoye aloo, pyaaz kate hoye, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, चाट मसाला पाव या पानी पूरी दमसा. मैं पानी पूरी पाया, बहुत ही टेस्टी है. थोड़ी जी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार. तुसी यदि विच तनिया पा सकते हो, पुदीना भी पा सकते हो, पर मैं ऐ चीज़ा पाया ने. ऐ चीज़ा नू तुसी हुन मेरे बिस्किट्स का स्नैक बनाया सी, हुन मैं वही चीज़ का आलू वेस्ट नहीं करना चाहिए. तुसी किंच एनु यूटिलाइज कर सकते हो दूसरे. ते ए मसाले दे चसे ब्रेड रोल्स बनावांगे. ते हुन असी पहले देख दिया मल्टी ग्रेन दी ब्रेड लेती है. तुसी कोई भी ब्रेड ला सकते हो, एनी ब्रेड. पर मैदे दी हमेशा अवॉइड करो, मैदा इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. व्हीट ब्रेड या मल्टी ग्रेन ब्रेड लेना शुरू कर दो. जिन जिन अवेयरनेस है उन सानू हुन पता, जिन जिन सानू पता चल रहा कि मैदा अच्छा नहीं है, मैदा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वैसे भी फैट बेली आ जाते हैं. ठीक है, हूँ ये वास्ते असं ब्रेड स्लाइस लिता है. मैं की करूँगी, थोड़ा जहा पानी प्लेट च पाऊंगी क्योंकि इन थोड़ा जहा सोक करना मैं ब्रेड नू. मैं ब्रेड नू सोक किया, मैं कॉर्नरस नहीं निकाले. अगर तुसी चाहते हो, इफ यू डोंट लाइक कॉर्नरस फाइन, बट कॉर्नरस नाल भी यम्मी लगता. इनू अच्छी तरह तुसी स्क्वीज कर लो. ठीक है, फिर ये तुसी थोड़ा जहा मसाला पा लो. ठीक है, पा के इनू तुसी बंद कर दो सारे साइड्स तो. इनू अच्छी तरह इनू तुसी बना, इसको आप क्या कर सकते हो, बना के भी फ्रिज में रख सकते हो. जब आपकी पार्टी स्टार्ट हो रही है तो आप इसे फ्राई कर दो बस. और बहुत इजी है, गेस्ट आए हुए हैं तो कभी बनाने की भी जरूरत नहीं है. एक और स्लाइस लेती हूँ. अभी देखो मैंने इसको ऐसे रोल कर दिया है. अभी इसमें काफ़ी बच्चे जब बना रहे हैं पूछ सकते हैं, मम्मी बिना पानी डाले ब्रेड को सोक किए फोल्ड कर सकते हैं? नहीं, बिना सोक किए आप फोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब फोल्ड करने की ऐसे कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी, ब्रेड टूट जाएगी और चिपकेगी नहीं. देखो वेट होगा तो ही इसके साथ आलू के साथ चिपकेगी. इसके लिए इसको सोक करना कंपलसरी है. अच्छा सोक करेंगे तो अच्छा है. और ऐसे बना के पहले रख दीजिए. मैंने इस अभी इसको बना के रख लिए हैं और गैस ऑन करती है. सोक करना कंपलसरी है. अगर आप सोक नहीं करोगे तो ब्रेड चिपकेगी नहीं, ब्रेड टूटती जाएगी. तो इसको सोक करके ही आलू डालना, सोक करके ही आलू डालना, यही. ठीक है, अब ये बना के भी रख सकते हो. जब कोई गेस्ट आए तभी इमीडिएटली बना के दे दिया. तो मैंने अभी गैस ऑन करके रखी हुई है. अब मैं धीरे धीरे, हाँ जी, मैं अब धीरे धीरे इसको ऑयल पहले टेस्ट करना है. कभी भी इसको पहले स्लो कर दें, पहले कभी भी टेस्ट करो, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाते हो अगर आप ऑयल गर्म नहीं होगा. हाँ जी, देखो ऑयल करेक्ट गर्म है. ऑयल करंट गर्म है ना, जब ऑयल गर्म हो तभी पकोड़े या कोई भी चीज़ डालनी चाहिए, नहीं तो सोक कर लेता है. और बिल्कुल धीरे से डालो ताकि छींटे ना पड़े आपके ऊपर. बच्चों को बोलो स्लो करके धीरे से कॉर्नर से स्लाइड कर दे तो जलेगा भी नहीं. इन केस बच्चों का हाथ अगर ऑयल में थोड़ा सा जल भी जाता है तो इमीडिएटली पानी के नीचे हाथ रख दे, उसके बाद कोकोनट ऑयल लगा दे या टूथपेस्ट लगा ले. बाई चांस अगर कभी भी, देखो किसी से भी जल, बड़ों से भी हो सकता है, तो आप इसको ऐसे कर दे. रोल्स, ब्रेड रोल्स रख लिए, इसको थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे. ऐसे रख के कुछ भी कर सकते हो, थोड़ा ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट देने के लिए. ये सभी शेफ्स के लिए ब्रेड रोल, ब्यूटीफुल, कितना अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है ना, देखने में भी अच्छा लग रहा है.
आप इसके ऊपर थोड़ा सा टमाटो वाला भी रख सकते हैं और गर्मा गर्म चाय और इसके साथ कभी भी टमाटो पुदीना चटनी के साथ अगर टमाटो सॉस मिक्स करके खाएंगे बहुत मज़ा आएगा। और ये गर्मा गर्म चाय के साथ आपके लिए, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कमेंट, इससे और भी अच्छे आइडियाज आएंगे। और गर्मा गर्म चाय अच्छी इवनिंग टी पार्टी पर सॉस के साथ मिक्स करके खाएं एक बार पुदीना चटनी, मज़ा आ जाएगा ये आपके लिए। थैंक यू सो मच।